तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। सारे आर्टिस्ट आजकल रिक्रिएट कर रहे हैं, रीमेक बना रहे हैं, सो आई थॉट व्हाई नॉट एक उनको एक गाना देते हैं, स्पेशल देते हैं 2023 में, कुछ नया करते हैं। सो दैट इज व्हेन डिसाइडेड कि गाना रीमेक नहीं करना है या कुछ रिक्रिएट नहीं करना है, उसको जो है उसको वैसे ही गा देना है, उसको एक अपने अंदाज में गाना है बस। मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं, दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे। जिस वक्त मैं म्यूजिक के दौर में एंटर कर रहा था, उस वक्त हिमेश रेशमिया का दौर आया था, तो उसी वक्त आतिफ असलम ने एंटर करा था और ये मैंने इस वक्त गाने सुना चालू किए थे, तो उस वक्त आतिफ असलम के गाने मैंने बहुत ज्यादा सुने थे, फिर अरिजीत पे स्विच किया और फिर अरिजीत के गाने बहुत सारे सुने, तो मुझे लगता है कि मेरा टाइम काफी ज्यादा आतिफ और अरिजीत को सुनते सुनते हो लगा है। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। Hi Seven, what's up? Hi, it's Delhi. I'm feeling really good. It's chilly. I think that is all happening right now. Yeah, but do you love Delhi? Do you keep coming to Delhi? ऐसा चलता रहता है? I love Delhi. I don't know if you are aware of my last concert, जो भी हुआ है recently, which was in JDMC, जहाँ के वीडियोस अभी बहुत वायरल हो रहे हैं इंटरनेट पे, और DU पे especially. So I think I had a great concert. And I always come to Delhi for concerts. This is for the first time I'm talking about I've come here to talk about a song. But generally, I always come to perform and I leave. So but I think, do you love Delhi audience because they get all crazy? Like you have to see the video and not only see they are enjoying. Obviously, वो मुझको देख के कूद रहे, but मैं भी उनको देख के कूद रहा हूँ. So it's likewise. So ऐसा नहीं होता है कि वो ही enjoy कर रहे, मैं ज़्यादा enjoy करता हूँ honestly. So if you will come to my shows, you'll understand that I love enjoying with people, I love dancing with people, and the best part about Delhi is the energy is crazy. The place I was performing, JDMC, I think वहाँ पे लड़कियों ने इतनी आग लगाई है ना, मतलब literally पूरे venue में, और इतना कमाल किया है. तो my experience in Delhi has always been really great because I remember I was performing in recently in a festival also in Delhi. So I keep coming to Delhi. पर आपको लगता नहीं कि वो आपके गाने और आपकी आवाज ऐसी है कि लड़कियां पागल हो जाती हैं अपने आप, and you know they like they start dancing and I really don't know. I am possible. Yeah, see, it's the energy. मुझे लगता है कि I really believe in the energy. जब आप स्टेज पर हो और आप you know आप लोगों को enjoy करवाते हो, so automatically दूसरा इंसान जो होता है वो आपको देख के एंजॉय करता है. अगर आप ही एंजॉय नहीं करते तो आप कैसे एंजॉय करेंगे? सो इन जनरल जब मैं किसी से मिलता हूँ तो मैं वो भी मिलते हुए भी वही वाइब देता हूँ कि आप मुझसे मिलो तो आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि यार किससे मिलके जाना है. सो यू हैव टू गिव अ गुड मेमोरी. आई थिंक वाइब्स मैटर अ लॉट. डेफिनेटली आई एग्री. वो दिल्ली वाले तो पूरे वाइब है यार. आई एग्री. दिल्ली का हर इंसान वाइब है. दिल्ली इज वाइब गाइस. तू मिले दिल खिले, ऐसी सिचुएशन रियल लाइफ में कभी हुई है? बिल्कुल सच बताना कि कभी किसी से मिले और लाइक यू नो लव एट फर्स्ट साइट और यार. बिल्कुल. आई थिंक तू मिले दिल खिले, आई थिंक डेफिनेटली गोज टू एवरी पर्सन लाइफ. आई थिंक मुझे लगता है हर इंसान की जिंदगी में ये होता ही है. और तो फिर मैं कैसे छूट सकता हूँ? तो मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है. ऑब्वियसली बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी को देखते हो और पहली बार में आपको पसंद आता है, एंड आई थिंक आई हैव हैड दैट स्पेस इन माई लाइफ एंड आई थिंक आई रियली एंजॉय इट. आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. हर लड़का लड़की के अभी शादी नहीं हुई है, अभी जिंदगी बढ़िया चल रही है, जब तक एंजॉय कर लो, जब तक तू मेरे दिल के लिए इट्स फाइन, उसके बाद वैसे कुछ नहीं सकता. आजादी है तब तक उसे एंजॉय करना चाहिए, तब तक एंजॉय कर लो. तो आई थिंक या it's great for me. I think I've met a lot of great people and I think this song goes to obviously to all the special memories of my life, and I think jo bhi har insaan ki zindagi mein jo ko special milta, I think they can dedicate this song to okay. But last time kis ladki ko dekh ke aisi wali feeling aayi thi, tu mile dil khile aur you know like you're like all love for that girl, you're all hearts? I think I don't even remember aisa kab last time kab hua tha, but aisa hua tha zindagi mein, matlab ab to kafi time ho gaya hai ye ho ke, क्योंकि अभी लास्ट इन द लास्ट 2-3 ईयर्स आई थिंक आई एम वेरी फोकस्ड ऑन माय करियर राइट नाउ. सो आई थिंक पूरा ध्यान करियर में चले गया है और पूरा ध्यान ये लोगों को अच्छे गाने देने में लगा हुआ है, जैसे अच्छे गाने देते रहना देते रहना देते रहना. बाकी आई थिंक या आई थिंक काफ़ी पहले की वक्त हो गया है वो, कि जब कोई मिला और लिटरली दिल खिला हो और वो सब.
तो लेडीज आई थिंक पता नहीं, आई डोंट नो आप लोग क्या कर रहे हो कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि दो तीन साल से ऐसा हुआ ही नहीं है उनके साथ, तो प्लीज यार बकल अप गाइस। इन्होंने अप्रोच ही नहीं किया, किसने अटेम्प्ट ही नहीं मारा है। आई थिंक यहां बहुत सारे लोग करने वाले हैं, सो बेचिंत होकर रहिए, दिल्ली आए हैं ऐसा तो होगा ही होगा। चलो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। एंड दिल्ली हैज लॉट ऑफ गुड लुकिंग गर्ल्स, आई मीन लाइक लॉट ऑफ गुड लुकिंग बॉयज एंड गर्ल्स, दिल्ली की कुड़ियां। मैंने बहुत सुना है बट अभी तक इतना एनकाउंटर नहीं हुआ है, सामने देखा नहीं है। अच्छा, हो जाएगा, हो जाएगा। चलो अच्छा, वैसे अभी जो आपका सॉन्ग आया तू मिले दिल खेले, अभी तक का कैसा रिस्पांस आया है? बिकॉज आई वाज जस्ट चेकिंग द कमेंट्स ऑन द वीडियो, और बहुत ही क्रेजी फैन फॉलोइंग है आपकी, वो तो हमें पहले से पता ही है, लेकिन कमेंट सेक्शन तो भरा पड़ा है लाइक तारीफों से। सी, मतलब क्या होता है कि तू मिले दिल खेले, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये गाना पहले से हिट है, तो मेरे गाने को करने से गाना हिट सुपर हिट नहीं हो सकता, क्योंकि गाना ऑलरेडी हिट है। सो मेरी एक ही कोशिश थी इस गाने में आने के लिए कि मैं इस गाने को सिर्फ एक अपना एक टच देना चाहता हूँ और एक ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ इन बड़े आर्टिस्टों का, क्योंकि क्या होता है कि सारे आर्टिस्ट आजकल रिक्रिएट कर रहे हैं, रीमेक बना रहे हैं, और आपको पता होगा कि मेरे ज़्यादा ओरिजिनल्स आते हैं। मेरे करियर में बहुत ही हार्डली एक दो ही गाने रीमेक हुए, दो तीन ही गाने रीमेक हुए, तो मैं बिलीव ही नहीं करता रीमेक करने में। बट हाँ, इस बार क्या था ना, थॉट ये था कि 2023 मुझे लगता है कुछ लोगों को अलग देना है जो मैंने नहीं किया है, तो मैंने लोगों को इतने सिंगल्स दिए, मेरे सारे सिंगल गाने हिट हुए जितने भी लास्ट ही हुए, सो आई थॉट व्हाई नॉट एक उनको एक गाना देते हैं, स्पेशल देते हैं 2023 में, कुछ नया करते हैं। सो दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड कि गाना रीमेक नहीं करना है या कुछ रिक्रिएट नहीं करना है, उसको जो है उसको वैसे ही गा देना है, उसको एक अपने अंदाज में गाना है बस। सो कॉमेंट जितने भी आए लोगों को काफ़ी अच्छा लगा है। काफ़ी लोग उस चीज़ से बहुत अपसेट भी रहते हैं, क्योंकि आजकल ना इतने रीमेक आ गए कि लोग तैयार रहते हैं कि जैसे ही कोई रीमेक गाना आएगा रोस्ट कर देंगे, कॉमेंट नेगेटिव कर देंगे। सो इस केस में ये बताना चाहता हूँ कि मैं कभी रीमेक नहीं करता हूँ, मैंने तो पहली कोशिश करी है कि मैं लोगों को अपनी तरफ से एक गिफ्ट दूँ और एक अपना एक एहसास दूँ उस गाने को, क्योंकि गाने बड़े लेजेंडरी और बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट ने गाए। मतलब खुद सोचो, कुमार सानू एंड अलका याग्निक ने गाया, एंड सो आई थिंक इट्स एन हम्बल अटेम्प्ट टुवर्ड्स सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड आई होप लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि अभी तक जितने कॉमेंट्स मेरे दोस्तों ने किया सबने बहुत पॉजिटिव किया, क्योंकि इस गाने में एक ही चीज अलग जो करी है वो है इस गाने का जो बीट है। तो बेसिकली हम चाहते थे कि गाना क्लब में बजे, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे गाने जो पुराने गाने हैं वो सिर्फ क्लब्स में नहीं बज पाते, क्योंकि आजकल के बच्चे सबको क्लब वाले गाने डिफरेंट चाहिए। तो वही एक तरीका है हमारा कि हम चाहते थे कि गाना क्लब में भी बजे, क्योंकि इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, आज तारे गिन गिन याद से तेरी, इट्स अ सैड सॉन्ग, एंड वो आज भी क्लब में बजता है, हर शादी में बजता है, क्लब भी हर शादी में। तो आई थिंक दैट इज द पार्ट व्हिच वाज मिसिंग, आई थॉट कि यार इतना खूबसूरत गाना है, क्या कोशिश करके देखते हैं, शायद लोग को पसंद आएगा तो क्लब में भी चलेगा और लोग उस पे ना एंजॉय भी करेंगे, वाइब भी करेंगे, सो दैट इज द थॉट बिहाइंड द सॉन्ग। बट डिड यू फील द प्रेशर आल्सो, बिकॉज़ जैसा आपने खुद ही बोला कि आजकल ऐसा होता है कि कितने सारे रीमेक्स बनने लगे हैं, बैक टू बैक काफी सारे रीमेक्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर था कि कहीं ये भी रोस्ट ना हो जाए, कहीं ये भी ट्रोल ना हो जाए। यार नहीं, मुझे मैं कभी प्रेशर लेता ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है मैं अपनी लाइफ में उस फेस में आ गया हूं कि मैं ऐसा काम करना नहीं चाहता कि जहां मुझे प्रेशर हो या चाहे जहां मैं कुछ गलत काम कर रहा हूं। सो अगर आप देखोगे तो मैं इस वक्त अभी से अपनी जिंदगी में कोलैबोरेशन कर रहा हूं, तो मेरा लास्ट कोलैब जैसे अभी इस नॉर्थ साइड मेरा जानी के साथ था, देसी मेलेडीज का गाना था जाना। सो ये भी जो कोलैबोरेशन है ये बेसिकली आशीष कौर एक सिंगर है, आशीष कौर सिंगर के साथ आया, और क्या बोलते हैं जो बेसिकली हमारे क्या बोलते हैं जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं डीजे चेतस एंड डीजे लिजो, उनके साथ बेसिकली ये कोलैबोरेशन है। सो कहीं ना कहीं उनके साथ मुझे गाना करना ही था और इतना बड़ा गाना उठाना था, तो ये बेसिकली मेरा एक अटेम्प्ट था कि इन सबके साथ मिलकर कुछ प्लान किया जाए। मैंने कमेंट सेक्शन, जैसे मैंने बोला कि खुद भी पढ़े हैं और मैंने खुद पढ़ा, लोगों ने लिटरली लिखा हुआ है कमेंट्स में आकर कि बहुत सारे रीमेक्स हमने रिसेंटली देखे जो हमें पसंद नहीं आए थे, एंड आई वुड आल्सो से दैट आई एम आल्सो फ्रॉम वन ऑफ दोस पीपल जिन्हें रीमेक्स ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। और लोगों ने लिखा कि दिस इज सच अ फ्रेश सॉन्ग, और क्लियरली दिख रहा है कि इसको एक बहुत ही बेहतर तरह से बनाने की कोशिश नहीं की गई है कि यू नो पुराना वाला भूल जाओ और हमारे वाले को याद रखो। ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबली नहीं कि आप पुराना भूल जाओ, पुराना गाना हमेशा इन नए गानों से ऊपर ही रहेगा और हमेशा ये गाने हमेशा लेजेंडरी रहेंगे, इनको कोई छू नहीं सकता, इनको कोई कुछ कर नहीं सकता। हमारे ऐसे नए आर्टिस्ट की कोशिश ये होनी चाहिए कि आप सिर्फ उन लोगों तक पहुंचा लो जिन्होंने शायद ना सुना हो, जो नया क्राउड आया, जो नए बच्चे आया, आई थिंक दैट्स द थॉट। एंड बस वही है, कमेंट्स वगैरह तो मैं इतना रीड नहीं कर पाया हूँ, बट आई एम वेरी हैप्पी कि लोग सुन रहे हो और लोग शेयर कर रहे हैं और लोग को पसंद आ रहा है गाना। अब इस गाने की इतनी बातें कर लिया है, कम से कम दो लाइंस तो इस गाने की हो जाए या, तो जिस गाने की देर से हम बातें कर रहे हैं लोग भी तो सुने जिन्होंने नहीं सुना है वो। तू मिले दिल खिले
और जीने को क्या चाहिए, हाँ तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए क्या चाहिए जब आप सामने बैठे हैं तो क्या ही चाहिए, दादू की बातें होंगी वो है। लेकिन एक बात बताओ, भोपाल से आए जी, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर नॉट फ्रॉम अ फिल्मी बैकग्राउंड एनीवे, सो हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू मेक अ मार्क इन द इंडस्ट्री, स्पेशली इन द म्यूजिक इंडस्ट्री? यार मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है, बट एक्चुअली जब आप भोपाल या किसी भी दूसरे शहर से आते हो जो बॉम्बे दिल्ली के बाहर होता है, और स्पेशली जो उस वक्त तक रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया था टैलेंट वाइज, मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट होता है ऑनेस्टली, और बहुत ही कम लोग ही वहाँ से निकल के कुछ कर पाते हैं। और मेरे लिए भी वही फेज है कि मैं, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा है, मतलब इनिशियली मैं भोपाल से करते हुए आ रहा था, कॉलेज में परफॉर्म करता रहता था, स्कूल में परफॉर्म करता था, उसके बाद जाके बॉम्बे में आके मौका नहीं मिला। फिर बहुत सारे शोज़ ट्राई किए बॉम्बे में, प्लेबैक मेरा काम नहीं हो पा रहा था प्लेबैक में, तो मैंने शोज़ ट्राई किए, तो शोज़ मेरा काफ़ी वर्कआउट हो गया, काफ़ी कुछ शोज़ अच्छे चल गए, वहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिली, वहाँ से मुझे गाने मिले, तो फिर चल गया एक्चुअली। बट कहते ना कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे बुलाता है और वापस भी भेज देता है। अगर बॉम्बे को अगर आप प्यार दोगे, अगर आपका फोकस बना हुआ है, अगर आपने गिव अप नहीं किया, तो फिर बॉम्बे आपको वेलकम करता है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं जो पेशेंस मैंने रखा है और जो मैंने कोशिश बहुत करी है, रात भर बैठ के जो मेहनत करी है, आई थिंक कहीं ना कहीं वो मुझे उसका ट्रीट मिल रहा है, अब मिल रहा है फाइनली वो रिकॉग्निशन जो आप चाह रहे थे। यार रिकॉग्निशन तो मुझे लगता है अभी भी मुझे वो नहीं मिला है जो मैं चाहता हूँ और जो मैं डिजर्व करता हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे बहुत कम टाइम हुआ है। अगर आप देखोगे तो 2019 में मेरा पहला प्लेबैक गाना आया था, वो भी एंड में आया था, मुझे लगता है कि जो मैंने निकाला था, जो मेरा सिंगल था मेरा महबूब, उसके बाद रुला के गया, इश्क तेरा, थोड़ा थोड़ा प्यार, ये सब बेसिकली आप देखोगे तो 2021-2020 में ही आए। 2022 में तो मैंने काफ़ी कम गाने किए थे, आई थिंक सिर्फ कोलैबोरेशन किए थे। सो इफ़ यू सी, तो मुझे अभी हुए ही 3 साल है, तो आई एम जस्ट वेटिंग कि अगले 3-4 साल बहुत मैटर करते हैं, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू गिव अ लॉट ऑफ गुड सॉन्ग्स। मैंने काफ़ी सारे कोलैब करने हैं इस तरफ, अभी पंजाब में और जानी के साथ और कोलैब्स करने हैं, और अभी फिल्म के गाने काफ़ी आ रहे हैं, सो आई एम वेटिंग कि और गाने हिट हो जाए और गाने लोगों तक, लोगों के दिल तक पहुँचे, क्योंकि इंडिया का क्राउड बहुत मासी है और बहुत दूर दूर तक इंडिया में इतने म्यूजिक लवर्स बैठे हुए कि आप सब तक पहुंच जाओगे तो आपकी जीत हो जाएगी जिंदगी में। पर कौन से गाने में अभी तक ज्यादा मजा आया है आपको, क्योंकि आपने बॉलीवुड फिल्म्स में भी गाए हैं, देन ऑफ कोर्स म्यूजिक एल्बम्स आर ऑलरेडी कमिंग। मैंने बॉलीवुड फिल्म्स में कम गाने गाए, मतलब मुझे लगता है मैंने हार्डली 3-4 गाने गाए अभी, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस सिंगल्स को लेकर ज्यादा बेटर रहा है। बट जैसे इस साल मेरे कुछ फिल्म के गाने आ रहे हैं और बड़ी फिल्मों में आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस देखते कैसा चेंज होता है, एक बड़ा एक्सपोजर मिलता है बड़ी फिल्मों में, वो एक फायदा होता ही है जब आप बड़ी फिल्म के बड़े एक्टर के लिए गाने गाते हो। बट क्या होता है कि जब आप सिंगल हिट होता है तो वो ना बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि एक सिंगल को इतना बड़ा हिट कराना, मेरे जो गाने हैं थोड़ा थोड़ा प्यार, बारिश बन जाना, ये सारे गाने बिना किसी बड़ी फिल्म में नहीं आके भी इन गानों ने फिल्म को कॉम्पिटिशन दिया था, और मुझे लगता है टॉप 5 में ये सारे कैटेगरी में थे पिछले 2021 में। तो मुझे लगता है कि मुझे ये लगा कि जरूरी नहीं कि गाना फिल्म का हो या सिंगल हो, गाना हिट होना चाहिए और लोगों के दिल तक पहुंचना चाहिए, दैट्स इट। मैं तो अभी रास्ते में ही सुनती आ रही थी, पता कौन सा गाना, क्या बात, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ, और मैं अपने वीडियोग्राफर को सुनाती आ रही थी, ये सुन ये गाना बहुत अच्छा, हम इन्हीं का आज लेने जा रहे हैं, इसके बाद आप मुझे गा के सुनाओगे इसके बाद? यार मेरी सिंगिंग अच्छी नहीं है, कौन यार, ये तो गलत है, आप ऐसा अब मेरे को रोस्ट करने में लगे हो। नहीं, नॉट एट ऑल यार, आई थिंक आप इतने अच्छे दिखने वाले आर्टिस्ट हो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप गाते भी होंगे, क्योंकि मुझे लगता है मुझसे कोई बोलेगा मैं डांस भी कर सकता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत तो मैं सब कर लेता हूँ, आर्टिस्ट सब मल्टी टैलेंटेड हो ना, हर कोई नहीं, सभी मल्टी टैलेंटेड होते हैं, सब छुपाते हैं, बताते नहीं है। अच्छा भोपाल से आए और अब जर्नी, जैसे आप बोल रहे हो कि आपको बहुत टाइम नहीं हुआ, बट इतने कम टाइम पे हमने बढ़िया बढ़िया से गाने दिए, एंड अभी भी आपके क्रेजी फैन फॉलोइंग है, जो मैंने यहाँ पर आके भी देखा कि लोग बाहर खड़े हुए थे, तो वो वाली चीज़ अभी से है, लेकिन आपको किसने इंस्पायर किया म्यूजिक इंडस्ट्री में आने के लिए, या किसको, लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जो ए आर रहमान को फॉलो करते आए हैं, कोई आतिफ असलम को फॉलो करते हैं, ढेर सारे, राहत फतेह अली खान, हु वॉज योर इंस्पिरेशन? आई थिंक जिस वक्त मैं म्यूजिक के दौर में एंटर करा था, उस वक्त हिमेश रेशमिया का दौर आया था, और उस वक्त उनका कॉन्सर्ट का दौर आया था, जब वो उनका उनके जो आपका सुरूर का जो एल्बम था और ये जो गाने उस वक्त बहुत वायरल हुए थे, और उसी वक्त आतिफ असलम ने एंटर करा था, और ये मैंने इस वक्त गाने सुनना चालू किए थे, तो उस वक्त आतिफ असलम के गाने मैंने बहुत ज़्यादा सुने थे, फिर इन दोनों को सुना और आतिफ के गाने ज़्यादा आते थे, तो आतिफ के ज़्यादा गाने सुने, फिर अरिजीत पे स्विच किया और फिर अरिजीत के गाने बहुत सारे सुने, तो मुझे लगता है कि मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा आतिफ अरिजीत को सुनते सुनते हो लगा है, और मैंने काफ़ी उनको ज़्यादा सुना है, फिर धीरे धीरे सोनू निगम जी को सुना, क्योंकि मैं म्यूजिकल बैकग्राउंड से नहीं था, तो मेरे को म्यूजिक का भी ज़्यादा नॉलेज नहीं था,
तो मैंने धीरे धीरे सीखा है प्रॉपर लाइक म्यूजिक और जी नहीं मैंने कभी म्यूजिक सीखा नहीं कभी कहीं से भी नहीं सीखा ना गिटार बजाना सीखा आई थिंक जितना भी जो मैंने सीखा है वो मैंने टीवी में देखते देखते यूट्यूब पे देखते देखते सीखा है सो बाद में फिर मैंने अभी इस वक्त रिसेंटली बैठ के मैंने कुमार सानू जी को रीता रायन जी को इनके गाने सुनना चालू किए तो अब जाके मुझे म्यूजिकली काफी लोग के बारे में पता है वैसे मुझे कुछ पता ही नहीं था अदरवाइज अच्छा ऐसा क्यों होता है कि लड़कियां गिटार बजाने वालों से आर्टिस्ट से बहुत ज्यादा यू नो अट्रैक्ट होती है आपके साथ ऐसा कभी हुआ है पता नहीं ऐसा मतलब नेवर हैपेंड मैं मान ही नहीं सकती नहीं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इट्स आई डोंट नो इट्स जस्ट कि ये लोगों का दिमाग में है कि जो गिटार बजाता है बड़ा ऐसा होता है मुझे लगता है कि हाँ जो अच्छे से गिटार बजा के अच्छे से गाना गा सकता है या कुछ अच्छा टैलेंट दिखा सकता है दैट इज समथिंग विच इज अ टैलेंट एंड हर इंसान एक टैलेंट से अट्रैक्ट होता है कहीं ना कहीं कि यार आपने कुछ अलग किया है आपने कुछ बेहतरीन किया है सो आई थिंक इट्स अबाउट द क्वालिटी मुझे लगता है कि कोई बहुत अच्छा गिटार बजाए गाना गा रहे तो ऑटोमेटिकली आपको वो इंसान पसंद आ जाता है तो होता है मेरे लिए भी मुझे अगर मेरे सामने कोई बैठ के कोई बहुत अच्छे से गाना गा दे गिटार बजा दे या कुछ कर दे तो आई रियली गेट इम्प्रेस मैं स्टंट हो जाता हूँ कि वाओ कोई आर्टिस्ट है किसी ने कुछ कमाल किया तो मैं तो बहुत ही आर्टिस्टिक सपोर्ट करने वाला इंसान हूँ मुझे लगता है जैसे कोई आर्टिस्ट ने कमाल कर दिया मैं तो जाता हूँ वाह यार क्या बात किसी का ऐसा याद है कि कभी किसी का कॉन्सर्ट अटेंड किया और लाइक यू जस्ट बिकेम दैट पर्सनस फैन ऐसा कभी हुआ है यार मैंने एक्चुअली बहुत ही कम कॉन्सर्ट्स अटेंड किए हैं अनफॉर्चुनेटली बिकॉज पहले कॉन्सर्ट देखने के लिए ऑनेस्टली किसी के कॉन्सर्ट में जाने के लिए पैसे नहीं होते थे और बड़े एक्सपेंसिव होते थे ये सब कॉन्सर्ट वगैरह तो मैं कभी बचपन से कभी कहीं गया नहीं था और अब जब पैसे आ गए तो जाने का वक्त ही नहीं बचा है ये बात भी सही है तो कहीं ना कहीं जब मैं वेडिंग्स में परफॉर्म करता हूँ तो मेरे आगे पीछे जो आर्टिस्ट होते हैं मैं उनको जरूर सुन लेता हूँ तो वहाँ मुझे लगता है कि आई थिंक जितने भी नए आर्टिस्ट काम कर रहे हैं इस वक्त अभी जितने भी कर रहे हैं सभी बहुत अच्छे हैं तो जितनों को भी सुना है सबको देख के बड़ा मजा आया बट ऐसा मैं कह नहीं सकता कि किसी को सुन के मुझे लगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा किसी को देख के मैं पागल हो गया हूँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है लास्ट शो मुझे याद है दुबई में मेरा शो था नेहा कक्कर के साथ तो शी परफॉर्म्ड तो मैंने उनका शो पूरा देखा था अपने शो के बाद उनका शो बैठ के पूरा देखा तो मुझे लगा कि यार शी इज़ अ कम्प्लीट पैकेज यू नो मतलब धमाका कर दिया था उनने शो पे मतलब हम सब ऐसे हो गए मैं तो ऐसा हो गया था कि वाह यार क्या बात है कि परफॉर्मेंस और गाने इतने अच्छे और गाया भी बड़ा अच्छा तो धमाल किया उन्होंने तो कहीं ना कहीं आई थिंक उन्होंने मुझे बहुत सरप्राइज किया उस पर अब जैसे आप ओके अब गाने भी गाते हो एंड देन ऑफ कोर्स आप एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हो मैं कोशिश कर रहा हूं मैंने कोशिश करी है क्योंकि यार एक अच्छा डायरेक्टर मिल जाता है ना तो काम हो जाता है सो आई थिंक ये गाना इतना बड़ा गाना था और ये गाना इतने बड़े लोगों पे शूट हुआ था और ये गाना फिल्म का गाना था तो कहीं ना कहीं हमें एक फिल्मी डायरेक्टर चाहिए था जब भी धर्मा ऑन बोर्ड आया पुनीत मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया आके और काफ़ी फिल्मी वाइब दिया इस गाने को एंड थोड़ा सेंचुअल वाइब इसलिए भी दिया क्योंकि ओरिजिनल गाना हनीमून का था सो दे डिडंट वांट कि गाने का पूरा मूड ही चेंज हो जाए दे वांटेड टू हैव दैट सेंचुअल टच एंड वेरी एक्सट्रीम रोमांटिक टच टू इट सो कहीं ना कहीं दैट इज व्हाई दे हैव केप्ट लाइक अ वेरी सेंचुअल वाइब ऑफ द सॉन्ग बट आगे प्लान है एक्टिंग में जाने का या फिर ऑफ कोर्स मेरा बहुत सारा प्लान है एक्टिंग में जाने का मतलब द रीजन आई एम राइट नाउ focusing so much on my looks and so much on my self is basically because I thought ki why not to attempt matlab apne gaane mein gaa hi raha hu why not ki main music videos mein act bhi karu aur uske baad un aage kuch acha performance mile ya kuch acting oriented to would love to try acha meri na bhi top list mein do teen gaane aa rahe hain aapke jo maine bataya ki main it's not like ki main aapko aaj interview le rahi thi maine aapke gaane sune ho pehle se sun rahi thi and I'm being honest about it very honest guys so jaise ek tha ye jo halka halka suru haan ji ek hai thoda thoda pyar mujhe bahut pasand hai aur teesra hai badan pe sitare jo aapne aasim riaz ke liye gaya yeah so kya aap inme se koi song abhi ga sakte ho yeah thoda thoda pyar ga leta hu ab inko pata chal gaya mujhe bahut pasand hai yahi gaayenge theek hai to aapke liye aapke liye तेरी नजर ने क्या कर दिया मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं अब मुझको मेरा एहसास नहीं दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे के थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे के ज्यादा भी होगा तुम ही से आ थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे मेरा अपना यहाँ पे पर्सनल कॉन्सर्ट चल रहा है एंड आई थिंक इट कुडंट गेट एनी बेटर देन दिस लेकिन हम वीडियो को एंड करेंगे एक और गाने से वो गाना है बदन पे सितारे बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना
ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। यहाँ ऑडियंस भी मैं आपकी थी और वहाँ पर बैठे नहीं यार, मतलब ठीक है वहाँ अगर वो ताली बजा रहे हो, आप यहाँ ताली बजा रहे हो बस, और क्या चाहिए एक आर्टिस्ट को, आपके प्यार और तालियों के अलावा कुछ नहीं चाहिए यार। थैंक यू, बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड। और जो जो गाने मैंने आपसे रिक्वेस्ट किए मेरे पर्सनल फेवरेट्स थे वो आपने गाए हैं, बट थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आगे। जैसे तू मिले दिल खिले लोगों को बहुत पसंद आया, रियली होप कि आप और बढ़िया बढ़िया कोलैबोरेशंस करो, सिंगल्स स्पेशली बहुत अच्छे अच्छे गाओ और हम फिर से दोबारा मिले एंड ऐसे ही बैठ के महफिल जमाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्द वापस आते हैं एक अच्छे इंटरव्यू एक अच्छे गाने के साथ। यस थैंक यू सो मच, लेट्स जस्ट शेयर। ऑलराइट।